नमस्कार दोस्तों दोस्तों आ जाइए हमारे पास वोल्सवैगन पोलो, जो मेरे भाई बहुत से इंतजार कर रहे थे वीडियो का, वोल्सवैगन पोलो में बनाओ। आज गाड़ी तो आई है, अभी देखते हैं इसके अंदर। इसका लॉक ख़राब हो चुका है क्योंकि चाबी से लॉक अनलॉक कर नहीं पा रहा है इसके अंदर, और अंदर से सुच से तो लॉक अनलॉक हो रही है। जब अंदर से लॉक करेंगे तो दरवाज़ा कैसे बंद करेंगे? अब चाबी का लॉक ख़राब है तो इस वजह से अब इसके अंदर फिटिंग करेंगे हम सेंट्रल लॉकिंग जूशन की। और जो बहुत से भाई परेशान होते थे कि इसके अंदर सर्किट कैसे होगा, इसके अंदर नीचे वायरिंग होती है, जो वायरिंग का कलर मैं आपको बताऊंगा, ग्रीन पे येलो लाइन होती है वैसे, और मैंने डायोड मंगवा लिए। अभी डायोड को कैसे लगाएंगे फिर मैं आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर। अभी हम इसके अंदर वायरिंग डाल करके पहले चेक करते हैं, फिर आपको बताऊँगा किस तरीके से कैसे कनेक्शन करते हैं। ये दोस्तों हमने इस गाड़ी के अंदर वायरिंग तो डाल दी है, आपको मैं ये दिखा देता हूँ। इसकी वायरिंग हम लेफ्ट साइड में कनेक्शन कर रहे हैं इसका, कंडक्टर साइड में, क्योंकि इसकी वायरिंग के कनेक्शन यहाँ मिलेंगे इधर की तरफ। और जो वायरिंग है हमारी यहाँ से ऊपर से हमने निकाली है, और ये देखिए इधर से पिलर से निकलने के बाद ये टायर के नीचे से यहाँ से रबड़ के यहाँ से निकाल करके आप इधर से निकालिए। ये हमने इधर से वायरिंग निकाली है, ये हमने नेगेटिव और पॉजिटिव में भी कनेक्शन करें अभी फ़िलहाल। अभी इसके कनेक्शन चल रहे हैं अभी, और जूशन के अंदर आपको पता है ब्रेक के साथ कनेक्शन होते हैं। और एक ये हमने एक टेस्ट बल्ब लगाया इसके अंदर ब्रेक प्रेस करना, ये देखिए ब्रेक छोड़ना, ये ब्रेक की वायर हमारे को ये वाइट वाली मिल गई है, और इग्निशन की वायर इस वायरिंग में नहीं मिलेगी आपको, जो नीचे की तरफ है। ये जो दरवाजे ड्राइवर डोर के अंदर जा रही है, ये देख रहे हो ब्लैक वाली वायर, इसके अंदर मिलेगी आपको। ये देखिए इग्निशन की वायर आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लैक वाली वायर है, मोटी सी दिखाई दे रही होगी आपको, जिसमें हमने ये वायरिंग जोड़ी है, ठीक है। इग्निशन की वायर आपको यहाँ मिलेगी, और ब्रेक की वायर यहाँ है। और आपको ये दिखा देता हूँ, इसके अंदर डोर स्विच की सारी वायरिंग अलग अलग होती है। आप सोच रहे हो पिलर में जोड़ सकते हैं तो उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि टाइमर के हिसाब से होता है, और इस सब दरवाजों की अलग अलग वायर होगी हर गाड़ी के। मेरे ख्याल से इसके अंदर जो वायर होगी ये ब्राउन पे ये ब्लू धारी हो सकती है। अभी हम चेक करेंगे अलग अलग डोर की तार, एक दरवाजे की इसकी ढूंढनी पड़ेगी और पिछले डोर की अलग ढूंढनी पड़ेगी, और जितनी भी तारें होगी सारी कोई ब्राउन पे वाइट होगी, ब्राउन पे येलो होगी, या ब्राउन पे ब्लू धारी होगी। अभी एक एक वायर हम चेक करेंगे। और इसके अंदर आपको मैं बता दूँ, ये हमारी इंडिकेटर की वायर है, ये हमारे को लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लॉक अनलॉक करेंगे, लॉक अनलॉक के द्वारा ही इसके इंडिकेटर जलेंगे। अभी मैंने इंडिकेटर की तारें लगाई नहीं है, अभी हम इसमें चेक करेंगे, क्योंकि लॉक अनलॉक करते ही इंडिकेटर जलेंगे तो इंडिकेटर की वायर लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हम करेक्शन करेंगे, और ये दो माइनस वाली वायर है, ये अभी लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में लेके जाएंगे ये दो वायर, ये हम पे डायोड का सर्किट यहीं लगा देंगे, फिर एक सिंगल वायर ही जाएगी वहाँ पे। अभी किस तरीके से डायोड लगाना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बाइक के साथ वीडियो के साथ बने रहो, अभी मैं इसके और कनेक्शन वहाँ से निकाल करके तार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों इसके अंदर हमारे को दो स्विच की वायर मिल गई है, या देख रहे हो ब्राउन पे ग्रेदारी, और ये तार है हमारे पीछे वाले रियर लेफ्ट की तार, और फ्रंट लेफ्ट की वायर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली वायर आप बनी ब्राउन पे हल्की सी लाल धारी है, ब्राउन पे हल्की सी लाल लाइन है। अभी थोड़ी सी मैं लाइट जला के आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये वाली वायर हमने जोड़ी है, ये ब्राउन वाली तार, ठीक है, सारी ब्राउन ब्राउन तारें होती है। ये हमने एक डोर स्विच की वायर हमने इसमें अटैच कर दी है, और एक डोर स्विच की वायर ये है। और इसको चेक कैसे करेंगे, अभी मैंने लेफ्ट डोर खोल रखा है तो मैंने ये लॉक पहले भी अंदर कर दिया है पेचकस से, और अभी मीटर पे कोई डोर की लाइट शो नहीं कर रही है। अभी इस तार को मैं अर्थ करूँगा, ये हमने टेस्ट बल्ब लगा रखा है वैसे अर्थिंग के लिए कि जिससे लाइट शोर भी ना हो। अब मैंने जो ऊपर वाली लाइट है इस पर टच किया, अब ये देखिए मीटर पे डोर का निशान आ रहा है, अब मैंने हटाया, ये चला गया, ये लगाया, ये आ गया, ये हटाया, ठीक है। और आपको ये सेकंड वाली वायर दिखा देता हूँ, अभी इस वाली वायर पे टच करेंगे, ये पीछे वाली, ये देखिए निशान इस पर आ रहा है, डोर का निशान जा रहा है,
इस तरीके से आप 200 की वायर चेक कर सकते हो। हमारे को दो दरवाजे की यहाँ मिल गई है और दो दरवाजे की फ्रंट की और उसकी राइट साइड से निकालनी पड़ेगी, वो भी लाके हमारे को इसमें अटैच करनी पड़ेगी। और अभी लोकल लॉक की वायर के लिए अभी हमने वहाँ से एक ग्रीन पे येलो धारी में से ये तार जोड़ दिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होती है वो तार। ये दोस्तों ये देखिए ग्रीन पे येलो लाइन होती है लॉक अनलॉक की, ये आपको दिख रही है कि इसके अंदर कुछ लोग लगा करके ये लॉक की वायर एक सिंगल वायर होती है इसके अंदर। अभी हम इसके अंदर एक डायोड बनाएंगे, अभी डायोड मैंने मंगाए थे ये और इसका मैंने सर्किट अभी बना दिया है। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा दूँगा किस तरीके से आई है ये डायोड का सर्किट, इस तरीके से बनेगा। ये चारों डायोड के देख रहे हो आप रेल के डब्बे की तरह चारों लेंदर से लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा ये आपस में मिला देना है। ये देखिए मैंने एक ये ग्रीन वाली वायर ऊपर और एक नीचे लगा दी है, फिर एक डायोड छोड़ करके दूसरे अंदर ये वाली वायर, एक वायर ये आ गई नीचे की तरफ लग करके, एक वायर ये बन जाएगी, एक वायर एक डायोड छोड़ करके इस तरीके से निकालनी है। ये हमारी जाएगी लॉक ऑन लॉक की वायर माइनस में, और ये सिंगल वाली वायर ये वाली ऊपर वाली ऊपर वाले डायोड के हिस्से वाली ये तार हम इसमें जोड़ेंगे जो हमने ग्रीन पे येलो लाइन बताई है। अभी इसको लगा करके अभी मैं आपको चेक कराऊंगा, बाकी हमारे को ड्राइवर साइड से अभी डोर स्विच की वायर भी चेक करनी है। अभी ये लगा करके फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों अपने सर्किट तो बना दिया है जो आपको मैंने दिखा दिया। ये देखिए इस तरीके से सर्किट, ये हमारी येलो और ग्रीन तार इसमें जोड़ दी हमने और आप देख रहे हो इसके अंदर डायोड किस तरीके से लगे हुए हैं। और यहाँ से एक सिंगल वायर जा करके गाड़ी की ग्रीन पे येलो धारी में लगेगी और डोर स्विच की तार हमने देखो यहाँ पे सारी जो ऊपर से आ रही थी ये भी मिला दी है, और एक तार यहाँ से लेकर लेफ्ट साइड में ले गए। मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपको यूनिट का चेक लगा करके फिर चेक करेंगे हम इसको। अब आपको राइट साइड के दरवाजे की डोर स्विच की वायर भी बता देता हूँ। इसके अंदर ये वाली वायर है, ये देख रहे हो आप, ये ब्राउन पे येलो लाइन है, सारी ब्राउन ब्राउन वायरें होती है। ये वायर लेके हमने ये देखिए ये ग्रीन वाली वायर हमने इसमें जोड़ी है और ये यहाँ से लाके इस डोर स्विच के साथ लाके इसमें मिला दी है। और ड्राइवर साइड के ये पीछे वाले रियर की है ब्राउन पे वायर दारी, इसमें दो वायर होती है आप ध्यान से चेक करना। ये देखिए दो दो वायर है, जो मीटर पे लाइट जल जाए वही वाली तार लगानी है आपको। अभी हमने कनेक्शन तो कर दिया, अब हम यूनिट का चेक लगाते हैं फिर हम चेक करते हैं इसके अंदर किस तरीके से काम करता है। ये दोस्तों हमारे कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट, अभी हमने यूनिट के चेक लगा दिया है, ठीक है। यूनिट हमारा ऑपरेट में आ गया, अभी डोर ओपन है इसलिए भी इंडिकेटर जैसे फ्लैश करता है वो फ्लैशिंग करता है। अब हमने डोर स्विच वगैरह के सब कनेक्शन वगैरह कर दिए, और लोकल लॉक का जो प्रॉब्लम आती थी आपको ये हमने दो वायर इस तरीके से जोड़ करके एक तार उधर ले गए। डायोड का सर्किट आपको फिर दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये लगाना है हमारे को। अब हम लोकल लॉक करके चेक करेंगे, ये हमने रिमोट लगाया अभी। अब हमने डोर क्लोज कर दिया, अब रिमोट से हम लॉक कर रहे हैं, अभी हमारा डोर ओपन है, ये लॉक हो चुका है, ये अनलॉक हो गया लॉक, ये अनलॉक। अगर डोर खुला होगा इस दौरान हम लॉक करेंगे तो तीन चार साउंड करेगा, यानी हमारा डोर ओपन है। वो डोर स्विच की तार लगाओगे सब डोर के साथ जो हमने तार में लगा दिया। अब पिछला डोर भी आपको दिखा देता हूँ, ये खुल गया, ये लॉक है, ये अनलॉक। अब डोर ओपन है, लॉक किया, ये साउंड कर रहा है। ऐसे सारे डोर की वायर अलग अलग होती है, सबने हमने मिला दिए। और मैं आपको इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ, हम लॉक कर रहे हैं, इंडिकेटर चला, अनलॉक पे मिला लॉक। और हमने इंडिकेटर की वायर लगाई नहीं है इसके अंदर, या देखो इसकी ग्रे कलर की दो वायर होती है,
ये इंडिकेटर की लगाने की जरूरत नहीं है, आप लॉक अनलॉक करोगे तो लॉक अनलॉक के साथ ही हमारा इंडिकेटर भी फ्लैश करेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों अब वोल्सवैगन पोलो वेंटो वगैरह में आप इस तरीके से डेविड का सर्किट लगा सकते हो। मैं डेविड के बता देता हूँ, 5408 आता है इसके डेविड, ये हैं 5408। अगर वो डेविड अगर आपको ना मिले तो 4007 भी लगा सकते हो आप, 4007। चारों डेविड को ऐसे लेनदारी से लगाना है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आपस में मिला देना, पहले एक वायर नीचे निकल जाएगी, एक वायर ऊपर निकल जाएगी, और एक डाइवर्ट छोड़ करके एक वायर यहाँ से निकालनी है। जैसे एक वायर मैंने यहाँ से लिया, एक डाइवर्ट छोड़ करके एक वायर ये लेके ये गाड़ी की लॉक अनलॉक की वायर में लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसमें फिटिंग कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये तीसरे नंबर एक डाइवर्ट छोड़ करके ये ब्लू वाली वायर आ रही है, ये नीचे की तरफ से निकली है, दोनों ब्लू लगाई है वैसे तो मैंने, और एक सारे डाइवर्ट को मिला करके एक वायर यहाँ से ये वाली इसमें लगा दी है। इस तरीके से दोस्तों आप बेंटो वगैरह के अंदर, वोल्सवैगन के अंदर फिटिंग कर सकते हो आराम से इजीली। और मैं दोस्तों इसके एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके अंदर लॉक अनलॉक कर रहे हैं हम। अब हम इसके अंदर हॉर्न के साथ भी अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो इसमें नहीं होगा, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या होता है, चाबी हमारी ऑफ पोजीशन पे है। अभी देखिए, ये मैंने मीटर इग्निशन ऑन किया, ऑन करने के बाद अभी हॉर्न भी वैसे लगे हुए, तब हॉर्न बज रहा है, और चाबी ऑफ की, ये ऑफ कर दी, अब हॉर्न नहीं बज रहा, क्योंकि हम सेंटर लॉक जब लॉक अनलॉक करेंगे तो उसमें से सप्लाई निकली, तो हॉर्न इग्निशन ऑन होने के बाद बज रहा है, तो इस वजह से हॉर्न के साथ ये नहीं हो पा रहा। ठीक है, देखेंगे इसका भी कोई अगर निकालेंगे सोल्यूशन, क्योंकि इसका इग्निशन ऑन होने के बाद हॉर्न बज रहा है, चाबी ऑफ करने के बाद नहीं बज रहा, अगर हम इसमें तार अटैच करेंगे तो बजेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप आराम से जूशन की या कोई सी भी सेंटर लॉकिंग लगा सकते हो, वोल्सवैगन वेंटो पोलो किसी में भी। ठीक है, अगर बाइक की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।